हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपका HVAC नॉलेज प्लेलिस्ट के अंदर। आज हम फिर बात करने वाले हैं HVAC चिलर के बारे में। आपको पता है कि HVAC हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है REC के अंदर, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारी जो चिल्ड वाटर लाइन रहती है उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा पानी सर्कुलेट होता है, कौन सा पानी जो कंप्रेसर द्वारा ठंडा किया जाता है और उसके अंदर कई बार क्या आ जाती है, एयर आ जाती है जिस कारण से प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो उस सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए हमें एयर को रिमूव करने की जरूरत रहती है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइन के अंदर एयर आ गई है? तो जब भी हम गेज देखेंगे तो गेज के अंदर हमारी जो नीडल लगी होती है, जो सुई लगी होती है, वो हमेशा अप डाउन करेगी, एक जगह पर स्टैंड नहीं रहेगी। तो इस कारण से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो चिल्ड वाटर लाइन है इसके अंदर एयर आ गई है और उस एयर को रिमूव करना जरूरी है ताकि पानी का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी चिल्ड वाटर लाइन होती है, एयर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है उसके टॉप फ्लोर पे। मतलब चिल्ड वाटर लाइन हमारी जहाँ तक जाती है, जहाँ पे यू बैंड बनता है, वहाँ पे पहुँच जाइए। और वहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना होता है, वहाँ पे एयर पर्जिंग वाल्व लगा होता है, उस एयर पर्जिंग वाल्व को ओपन करना होता है ताकि वहाँ पे जितनी भी एयर बनी हुई है वो सब वहाँ से आसानी से रिमूव हो जाए। क्योंकि आपको पता है हवा हल्की होने के कारण हमेशा ऊपर उठती है, तो जितना आप टॉप फ्लोर से एयर को रिमूव करोगे उतनी जल्दी एयर वहाँ से निकलेगी और क्या होगा, आपकी लाइन का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। देखिए इस वीडियो के अंदर आपको क्या दिख रहा है, पानी के साथ साथ कुछ बबल क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पानी के साथ साथ एयर भी बाहर आ रही है। और ये क्यों हो रहा है और यहाँ पे निकालने का मेन मकसद क्या है, यहाँ से एयर जल्दी निकलेगी, एयर जल्दी निकलेगी, हमारा पानी का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप एयर को रिमूव नहीं करोगे तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, जो आपका सेट पॉइंट है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। तो उस कारण से हमेशा एयर निकालनी ज़रूरी है। और इस कारण से यहाँ पे दोनों वाल्व को ओपन किया गया ताकि जल्दी से एयर को रिमूव किया जा सके, ठीक है। और जितनी जल्दी हम यहाँ से एयर निकाल देंगे उतनी जल्दी हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और साथ में हमारी जो एयर है वो भी बाहर निकल जाएगी। और एयर आती क्यों है लाइन के अंदर, जब भी हमारी लाइन के अंदर पानी का प्रेशर कम हो जाएगा तो उसके अंदर एयर एंटर हो जाएगी। इसी कारण से एक्सपेंशन टैंक का यूज़ किया जाता है ताकि हमारे जो चिल्ड वाटर लाइन है उसके अंदर पानी का मेकअप पूरा रहे, वो कभी भी खाली ना हो। इस कारण से हम एक्सपेंशन टैंक का यूज़ करते हैं ताकि चिल्ड वाटर लाइन में जैसे ही पानी का फ्लो कम हो तभी उसको मेंटेन किया जाए। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक और सिस्टम हमारा लगा होता है जिससे हम एयर पर्ज कर सकते हैं और वो सिस्टम भी आपका किस कारण से लगा होता है और उसके अंदर भी क्या क्वालिटी है, चलिए वो मैं आपको एक वीडियो, छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हमारा सिस्टम होता है ये हमारा होता है एयर पर्जिंग वाल्व। इसके अंदर हमारी वाल्व ओपन रहती है हमेशा और यहाँ से ये जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ से एयर रिमूव होती रहती है। यहाँ पे एक छोटी सी क्या होती है, नीडल होती है, ठीक है, जिसके द्वारा एयर यहाँ से रिमूव होती रहती है। यहाँ पे देखिए एयर के साथ साथ कुछ पानी की बूंदें भी बाहर आई हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली एयर पर्जिंग वाल्व है जो कि लाइन के अंदर लगा रहता है, ठीक है। और ये सबसे टॉप पे रहेगा, जैसे ही एयर बनेगी हमारी लाइन के अंदर वैसे यहाँ से निकलता रहेगा। और ये जो दोनों है ये टेम्परेचर मीटर है, टेम्परेचर शो कर रहे हैं लाइन के अंदर कितना टेम्परेचर है अभी चिल्ड वाटर लाइन का, ठीक है। इसको हम आपको बंद करके भी दिखा सकते हैं कि इसको हम ओपन करके भी एयर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिकली हमेशा वाल ओपन रहेगी और जैसे ही लाइन के अंदर एयर बनेगी हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, पर्ज कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से आपका एयर अप डाउन होता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।